अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले किसी को मेरे वीडियोस पे वीडियो फ्री फॉर्म में चाहिए तो प्लीज़ प्लीज़ मेल करिए। 9 और 10 के किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर चाहिए तो प्लीज़ मेल करिए, और कोई सजेशन कोई टॉपिक अगर आपको वीडियो में चाहिए तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करिए। एंड वन मोर थिंग, 10th स्टैंडर्ड के साइंस की स्पेशली साइंस 2 के कुछ नोट्स हैं मेरे पास, तो अगर वो किसी को चाहिए तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे मेल करिए, तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ वो भी शेयर कर दूंगी। सो आज जो है हम 10th स्टैंडर्ड का साइंस 2 का चैप्टर पढ़ने वाले हैं। साइंस 1 भी जल्दी आएगा। आज जो है साइंस 2 का सेकंड चैप्टर जानदारों में हयाती अफाल हिस्सा 1 यानी लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ने वाले हैं। सो लेट स्टार्ट द चैप्टर। इंसानी जिस्म में कई किस्म के निज़ाम जो है मुसलसल अपने अफाल अंजाम दे रहे हैं। आप वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उस वक्त भी जो है आपकी आपकी बैरूनी आज़ा, आपके अंदरूनी आज़ा अलग अलग निज़ाम, जैसे अमले तनफ़ुस है, निज़ाम इस्तिखराज है, निज़ाम निज़ाम, निज़ाम दौरान खून है, अजबी निज़ाम हमारा दिमाग है, जिस्म के अंदरूनी बैरूनी आज़ा, ये सब कुछ जो है अपने काम मुसलसल अंजाम दे रहे, बिना रुके अंजाम दे रहे, तभी आपकी जो है बॉडी नॉर्मल बिहेव कर रही है। तो ये लोग जो अपना अपने अलग अलग निज़ाम जो मुसलसल काम करते रहते, तो उनके लिए उन्हें तवानाई चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। और ये कहाँ से हासिल होती है? उन्हें अलग अलग गिजाई अज्जा यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और चर्बी जैसे जो गिजाई अज्जा है, इनसे हमें हासिल होती है। अब तवानाई जो है हमारी बॉडी में जखीरा होती है, तो क्या होता है, हर खुले हमारी बॉडी में जितने खुले हैं उनके अंदर जो एक तवानाई का मरकज होता है जिसे माइटोकांड्रिया यानी तवानिया कहते हैं, उसके अंदर जो है तवानाई जखीरा होती है, वहीं से तवानाई जो है हर खुले को हासिल होती है। अब तवानाई की तैयारी जो होती है उसमें सिर्फ गिजाई अशिया ही नहीं यानी सिर्फ खाना पीना और ये पानी वगैरह ही नहीं, बल्कि ऑक्सीजन की भी जरूरत होती है। कुछ खुद भी निजानदार है हमारे माहौल में जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, तो जो कुछ भी तवानाई, जो कुछ हम खाते हैं, जो कुछ ऑक्सीजन होता है, वो सब कुछ जो है अमल तरसील, तरसील यानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, तो अमल तरसील के जरिए तवानाई तक पहुंचता है, तवानी तक माइटोकांड्रिया तक पहुंचता है, और वहां पर जो है तवानाई हासिल की जाती है उसे। अब कैसे हासिल की जाती है वो हम आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा जो है कंट्रोल सिस्टम यानी अजबी निज़ाम जो हमारा दिमाग है, वो ये तमाम अफाल पर जो कुछ भी अंजाम हमारा निज़ाम जो हमारे बॉडी में चल रहा है उस पर जो है काबू रखता है, यानी कि तवानाई की तैयारी में हर हयाती फेल, हर आज़ा, हर निज़ाम जो है अपना किरदार बखूबी अदा करता है, और उसको जो है अपना काम करने के लिए तवानाई की ज़रूरत होती है। अब हम और हम जैसे दूसरे हैवानात है वो तमाम जो है फल और सब्जी तरकारियाँ वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं नबातात जो है वो खुद कफील होते हैं यानी वो अपनी गिजा खुद तैयार करते हैं। वो क्या करते हैं, सूरज से जो है सब्जमानी के जरिए गिजा तैयार करते हैं। गिजा का कुछ हिस्सा वो खुद की नशोनुमा के लिए इस्तेमाल करते हैं और बाकी जो है फल पत्तों तनों और जड़ों वगैरह में जखीरा कर देते हैं। अब इनके जो फल पत्ते तने जड़ वगैरह है ये सब कुछ जो है हम अलग अलग गिजाई अशिया के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और इस तरह जो उनकी तवानाई जो उन्होंने गिजा अपनी बनाई होती है वो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, चर्बी, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, वो सब कुछ जो है हमारी बॉडी को हासिल होता है। आप तस्वीर में देख सकते हैं, एक चार्ट बनाया गया है कि किस तरह हमें नबातात के जरिए जो है अलग अलग प्रोटीन्स हासिल होते हैं। अब हम पढ़ेंगे जानदार और तवानाई की तैयारी, यानी तवानाई की जरूरत तो होती है लेकिन जो तवानाई हमारी बॉडी में वो बनती किस तरह है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें जो है अमल तनफ्फुस जो है मेन है। अमल तनफ्फुस जो है दो तरह का होता है, एक होता है जिस्मानी सतह पर, एक होता है खुलवी सतह पर। जिस्मानी सतह पर क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का जिस्म और अतराफ के माहौल में लेन देन, यानी ऑक्सीजन हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं, ये जो है जिस्मानी सतह का अमल तनफ्फुस है। लेकिन खुलवी सतह पर क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ भी और ऑक्सीजन के बगैर भी गिजाई अज्जा की तकसीद होती है। अब अमल तकसीद क्या है, आप साइंस 1 में पढ़े होंगे, अमल तकसीद यानी कि ऐसा अमल जिसमें ऑक्सीजन का मिलाप होता है या हाइड्रोजन खारिज की जाती, तो किसी भी गिजाई अज्जा की जो है तकसीद होती है खुलवी सतह के तनफ्फुस में। हम जिन गिजाई अशिया का इस्तेमाल करते हैं उनमें खुसूसन कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल रोजाना दरकार तवानाई के उसूल के लिए किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट जो मेनली जो है अनाज यानी ग्रेन से हासिल होता है, और हमारे गिजा में अनाज वो है बहुत ज्यादा तौर पर शामिल होता है, तो उससे जो है तवानाई हासिल की जाती है। ये तवानाई ATP की शक्ल यानी एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट की शक्ल में हासिल होती है, और इसमें क्या होता है, एक खुलिए में ग्लूकोज नामी कार्बोहाइड्रेट होता है उसकी तकसीद होती है, तो इसी को खुलवी सतह का तनफ्फुस कहा जाता है।
अब खुली सतह का तनफुस जो है वो दो किस्म का होता है, एक होता है ऑक्सीजनी तनफुस, एक होता है गैर ऑक्सीजनी तनफुस। ऑक्सीजन तनफुस में ऑक्सीजन हिस्सा लेती है और गैर ऑक्सीजनी तनफुस में ऑक्सीजन हिस्सा नहीं लेती। तो पहले हम ऑक्सीजनी तनफुस देखेंगे। इसमें जो है तीन मरहले में ग्लूकोज की तकसीद होती है। पहला होता है शक्कर पाशीदगी यानी ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा होता है ट्राई कार्बो ऑक्सिलिक एसिड दौर यानी क्रेब चक्कर, और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉनी मुंतकिली जंजीर तामुल यानी ईटीसी रिएक्शन। तो देखते हैं हम सबसे पहले जो है, ये आप लोग ध्यान रखिए कि ये जो तीनों पॉइंट्स है ये अलग अलग होकर नोट्स में और वजूहात में पूछी जाती है। तो मैंने जो है आगे इसकी एक्सप्लेनेशन भी जो है पॉइंट्स में लिखी हूँ ताकि आप लोग जो है इसको एज अ आंसर भी यूज कर सके। तो सबसे पहले देखते हैं शक्कर पाशीदगी यानी ग्लाइकोलाइसिस। यह अमल जो है खुलिए माए में अंजाम पाता है। खुलिए माए में होने वाले एक अमल में ग्लूकोज के एक सालमे का तज्जिया होता है, यानी उसका अज्जा तज्जिया होना, यानी उसको अलग अलग होना, उसके अज्जा होना। उस तज्जिये में जो है क्या क्या हासिल होता है, पार्विक एसिड, एटीपी, एनएडीएच2 और पानी के जो है दो दो सालमान हासिल होते हैं। अब इस अमल में जो कि चार चीजें हासिल हुई है, इसमें से जो पार्विक एसिड होता है उस पर फिर से अमल किया जाता है, उसका फिर से तज्जिया होता है और उसमें से जो है एसिटल को एंजाइम ए के सालमात की शक्ल वो इख्तियार कर लेता है। अब जब वो एसिटल को एंजाइम ए बन रहा होता है उसी दौरान जो है कार्बन डाइऑक्साइड और एनएडीएच2 के भी दो दो सालमात तैयार होते हैं। यानी शक्कर पाशीदगी से हमें ओवरऑल क्या क्या हासिल हुआ, एटीपी, एनएडीएच2, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और एसिटल को एंजाइम ए के जो है सालमात हमें हासिल होते हैं शक्कर पाशीदगी यानी ग्लाइकोलाइसिस के दौरान। अब ये जो शक्कर पाशीदगी यानी ग्लाइकोलाइसिस का ही तामुल है, इसको जो है गस्ताव, एम्बेडिन, ऑटो मेयरहाफ और जैकब पारनास नामी तीन साइंसदान थे और उनके असिस्टेंट्स ने मिलकर जो है दरियाफ्त किया था। इसके लिए उन्होंने उजलात पर बॉडी पर तजुर्बे किए थे, इसीलिए जो ग्लाइकोलाइसिस है उसको एम्बेडिन मेयरहाफ पारनास पाथवे यानी ईएमपी पाथवे, इन तीनों के सरनेम पर भी जो है इसका नाम रखा गया है, इसे ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। अब नेक्स्ट है ट्राई कार्बो ऑक्सिलिक चक्कर यानी क्रेब चक्कर भी इसे कहा जाता है। एसिटल कोएंजाइम ए जो हमें शक्कर पाशीदगी के दौरान हासिल हुआ था वो जो है तवानिये में दाखिल होता है और तवानिये के अंदर जो है उस पर ट्राई कार्बो ऑक्सिलिक एसिड दौर यानी कि क्रेब चक्कर का तामुल अंजाम पाता है। अब क्रेब चक्कर के तामुल में क्या होता है, उस पर जो है कीमिया तामुल होते हैं और उसमें जो है एसिटल कोएंजाइम ए है उसके सालमात में से एसिटल की मुकम्मल तकसीद हो जाती है और वो तकसीद जब हो जाती है कंप्लीट तो उसके जरिए जो है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, NADH2, FADH2 और ATP के सालमात हमें हासिल होते हैं। अब जब वो एसिटल कोएंजाइम ए में तब्दील जो है उसकी तकसीद हो रही होती है उस वक्त पहला मादा जो है साइट्रिक एसिड तैयार होता है, इसीलिए ट्राई कार्बो ऑक्सिलिक चक्कर को साइट्रिक एसिड दौर भी कहा जाता है। ये आपको वजूहात में पूछा जा सकता है। इसके अलावा सर हैंस क्रैब ने जो है इसे दरियाफ्त किया था, इसीलिए इसको क्रैब चक्कर भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट एंड द लास्ट जो है वो इस प्रोसेस का स्टेप है ईटीसी यानी इलेक्ट्रॉनिक मुंतकिली जंजीर, जो एक कंक्लूजन टाइप बोल सकते हैं कि जितनी तकसीद हुई उसमें से अब एटीपी हासिल करना है, तवानाई हासिल करने का स्टेप ये है। इसमें क्या होता है, ये भी तवानिये में अंजाम पाता है। ऊपर जितने भी यानी शक्कर पाशीदगी और क्रेब चक्कर के दौरान जितने भी तामुलात हुए हैं उसमें से जितने भी NADH2 और FADH2 हासिल हुए वो इसमें इस्तेमाल होते हैं। क्या होता है, NADH2 के हर साल यानी एक NADH2 में से तीन और एक FADH2 में से दो ATP के सालमात हासिल होते हैं और उसके अलावा पानी के सालमात भी हासिल होते हैं। यानी अगर ऊपर मिसाल के तौर पर हमें दो NADH2 हासिल हुए तो उसके अंदर से हमें 6 ATP के सालमात हासिल होंगे। तो जितने भी यानी एक NADH2 में तीन सालमात और एक FADH2 में से दो ATP के सालमात हासिल होते हैं और इस तरह ये प्रोसेस जो है कंप्लीट होता है। इस तरह ऑक्सीजनी तनफुस में ग्लूकोज की मुकम्मल तकसीद होती है और तवानाई यानी एनर्जी ATP के साथ H2O और CO2 के सालमात भी तैयार होते हैं। इससे कुल 38 ATP के सालमात हासिल होते हैं। जब हम शक्कर पाशीदगी के स्टेप पे थे वहां पर दो ATP के सालमात हासिल हुए थे और ETC में आकर जो उन्होंने NADH2 और FADH2 में से ATP के सालमात निकाले तो उसमें जो है कुल 36 ATP के सालमात हासिल हुए। इस तरह टोटल जो है हमें ऑक्सीजनी तनफुस में 38 ATP के सालमात हासिल होते हैं। अब ये वाला जो वेब है ये समझ लेना जरूरी है क्योंकि पूछता है पेपर में कंप्लीट करने के लिए भी।
इसमें क्या है, जैसे हमने पढ़े कि कार्बोहाइड्रेट में जो है उसमें ग्लूकोज की जो है शक्कर पाशीदगी होती है, फिर उसके बाद उससे पार्विक एसिड बनता है, पार्विक एसिड एसिटल कोएंजाइम ए में तब्दील होता है, उस पर जो है क्रेब चक्कर होता है और फिर ईटीसी में जो है तवानाई H2 और CO2 हासिल होता है। ये तो कार्बोहाइड्रेट की बात हुई, लेकिन प्रोटीन और रोगनी माध्य जो हमारे जिस्म के है उससे भी तवानाई हासिल होती है। तो क्या होता है, प्रोटीन जब हमारी बॉडी में जाता है तो वो अमीनो एसिड में तब्दील हो जाता है और उसके बाद वो डायरेक्ट एसिटल कोएंजाइम ए की शक्ल इख्तियार करता है, फिर उसके ऊपर क्रैब चक्कर होता है और उससे तवानाई हासिल की जाती है। इसी तरह चर्बी यानी रोगनी माध्य का भी होता है, वो बॉडी में जज्ब होकर रोगनी तेजाब बन जाता है और फिर वो एसिटल कोएंजाइम ए में तब्दील होता है, उस पर क्रैब चक्कर का तामूल अंजाम पाता है और फिर जो है उससे तवानाई हासिल की जाती है। अब जब फाका कशी और भूख हड़ताल जैसे खसूसी हालात होते हैं, हमारे जिसमें अगर कार्बोहाइड्रेट का जखीरा कम है, हमारे जिसमें खाना नहीं जा रहा है, तो उस वक्त हमारा जिस्म क्या करता है, एनर्जी के लिए और बॉडी को स्टेबल रखने के लिए प्रोटीन और रोगनी माध्य यानी चर्बी का इस्तेमाल करता है। क्या होता है, रोगनी माध्य रोगनी तेजाब में तब्दील होते हैं और प्रोटीन अमीनो एसिड में तब्दील होता है और फिर जो है ये एसिटल कोएंजाइम ए में तब्दील होते हैं, इसकी सालमात पर जो है क्रैब चक्कर का तामूल अंजाम पाता है और फिर उसकी मुकम्मल तकसीद होकर तवानाई हासिल की जाती है, जैसा हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। तो ये होता है जब हमारी बॉडी में जो डाइट प्लान्स भी होते हैं उसमें भी यही प्रोसेस अंजाम पाता है। अब देखेंगे गैर ऑक्सीजनी तनफुस, तो कुछ जानदार है जो ऑक्सीजनी माहौल में जिंदा नहीं रह सकते, कई सारे बैक्टीरियाज वगैरह है जो ऑक्सीजन जिनको नहीं बर्दाश्त होता है, तो वो अपनी जिंदगी बरकरार रखने के लिए तवानाई हासिल करने के लिए गैर ऑक्सीजनी तनफुस पर मुनसर होते हैं। अब गैर ऑक्सीजनी तनफुस में क्या होता है, ग्लूकोज की तहलील और तखमीर ये दो मरहले होते हैं। तहलील क्या होता है, जिसमें तहलील यानी हल हो जाना और तखमीर यानी खमीर तैयार होना, इससे जो है ग्लूकोज की नामुकम्मल तहलील होकर कम तवानाई का इखराज होता है, इसमें जो है ऑक्सीजन ना होने की वजह से बॉडी में कम तवानाई हासिल होती है। इस तामूल में ग्लूकोज की तहलील होती है और उससे जो है हासिल शुदा जो पायरविक एसिड है वो कुछ दूसरे खामरे दूसरे जो है सालमात की मदद से मिलकर जो है कार्बनी तेजाब या अल्कोहल में तब्दील हो जाता है, इसी को जो है तखमीर यानी फर्मेंटेशन कहते हैं। तो वो जो है तब्दील हो जाता है और हमारी बॉडी में भी जगह जगह पर ये पाया जाता है, कई कई जगह पर गैर ऑक्सीजनी तनफुस होती है बॉडी में कुछ खास स्टेट में, जैसे कुछ नबातात और हैवानात ऑक्सीजनी माहौल में रहते हैं और अगर उनके अतराफ में जो है ऑक्सीजन का तनासुब कम हो जाए तो वो ऑक्सीजनी तनफुस की बजाय गैर ऑक्सीजनी तनफुस पर इन्हिसार करते हैं। जब अगर प्लांट आपने एक बोए है और उस वक्त जो है जमीन पानी में डूब जाए तब जो वो बीज है वो गैर ऑक्सीजनी तनफुस अंजाम देता है। इसी तरह जब वर्जिश के दौरान हमारे उजलाब भी गैर ऑक्सीजनी तनफुस का अंजाम देते हैं, जो अल्कोहल या कार्बनी तेजाब में पार्विक एसिड तब्दील होता है और फिर उससे जो है उसकी तखमीर होकर हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड का जखीरा होता है और हम थकन महसूस करने लगते हैं। अब हम देखेंगे मुख्तलिफ गिजाई अज्जा और उनसे हासिल होने वाली तवानाई। सबसे पहला गिजाई जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कार्बोहाइड्रेट। ये किन से हासिल होता है, दूध फल गुड़ शक्कर तरकारी है, गेहूं मकई नाचनी जवार बाजरा चावल जैसे जो अनाज है वो, शहद आलू रतालू मिठाई वगैरह से हमें हासिल होता है। अब ये कितनी तवानाई फराहम करते हैं, तो 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम यानी 1 ग्राम से 4 किलो कैलोरीज हासिल होती है। अब गिजाई जो प्रोटीन है इसकी छोटी सी डेफिनेशन दी गई, जैसे हम जानते हैं कि प्रोटीन हमारी बॉडी में जब जाता है तो वो अमीनो एसिड की शक्ल इख्तियार कर लेता है जज्ब होकर, तो इसके कई अमीनो एसिड की कई सालमात एक दूसरे से जब मिलकर एक बड़ा यानी अकबर सालमा बनाते हैं तो उसे प्रोटीन कहते हैं। ये दूध मछली अंडा गोश्त वगैरह से हासिल होता है और ये भी जो है 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम फराहम करता है। हैवानी अशिया से हासिल शुदा प्रोटीन को फर्स्ट क्लास प्रोटीन कहते हैं, यानी जो गोश्त अंडा दूध वगैरह जो जानदारों जानवरों से हासिल होता है वो जो है फर्स्ट क्लास प्रोटीन कहलाता है। अब प्रोटीन हजम होने के बाद जो है अमीनो एसिड की शक्ल इख्तियार करता है, फिर ये अमीनो एसिड जो हमारे जिस्म में जज्ब होता है और खून के जरिए खून की नाली के जरिए हर उजू के हर खुलिये तक पहुंचता है और फिर वो उजू और खुलिया जो है अपने जरूरत के हिसाब से प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं। मतलब अगर वो हड्डियों में पहुंचा है तो वहां आसीन बनता है, जिल्द में अगर वो पहुंचता है तो मेलेनिन रंगीन मादा केराटिन्स वगैरह होता है, खून में हेमोग्लोबिन और जिद्दी जिस्म, उजलात में एक्टिन और मायोसिन, गुद्दे नखामे में अगर पहुंचता है तो वो मुख्तलिफ मुहरकाब की शक्ल इख्तियार करता है, लबलबे में इंसुलिन और ट्रिप्सिन वगैरह की शक्ल इख्तियार करके वो बॉडी को फायदा पहुंचाता है। अब गिजाई अजुज जो है चर्बी यानी रोगनी मादे, तो रोगनी तुरशे और एल्कोहल की सालमात को मखसूस कीमियाई बंदिश से जोड़कर तैयार की गई शय रोगनी अशिया कहलाती है। ये जो है तेल घी अंडे वगैरह से हासिल होता है और ये 9 किलो कैलोरीज पर ग्राम जो है हमारी बॉडी को फराहम करता है।
अब जैसा हम जानते हैं हमारी खाई गई जो भी रोशनी अशिया वो हजम होती है तो रोगनी तुरशो और अल्कोहल में तब्दील हो जाती है और फिर जब ये जज्ब कर लिए जाते हैं तो जिस्म के हर हिस्से में खून के जरिए पहुंचाया जाता है और हर किस्म के खुलियात जो है इसे अपनी जरूरत के मुताबिक मादा तैयार करते हैं। मिसाल के तौर पर खुलिए की जो दीवार है वो तैयार करने के लिए फॉस्फोलिपिड नाम का एक सालमार एक जरूरी होता है। इसमें जो ये लेपिड है ये रोगनी तुरशों से तैयार होता है। इसके अलावा जो अलग अलग मोहरखाब है प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजिन टेस्टोस्टेरोन ऑल्डोस्टेरोन ये सब कुछ जो है और इसके अलावा अजबी खुलिए के महवर के जो अतराफ का गिलाफ है ये सब भी जो है रोगनी अशिया से बनाया जाता है। रोजमर्रा की जरूरत के लिए इस्तेमाल होने वाला जो हम चर्बी आमेज मादा जिसमें खाते तो ये रोगनी इतसाली नसीजों में जखीरा होता है। अब इतसाली नसीज क्या है आपने 9th स्टैंड में पढ़ा होगा कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को जोड़ने वाली नसीज यानी इतसाली नसीज। इस नसीज के खुलियात की साख जो है ढीली होने की वजह से इसकी खाली जगह में सहारा देने वाले मजबूत मादे होते हैं और ये जो है कनेक्टेड होती है और फिर जो है इसकी टाइप भी आपने 9th में पढ़ी होंगी उसमें जो है एक रोगनी इतसाली नसीज है जो रोगनी मादों को जज्ब करता है और फिर जिसमें अलग अलग जगह पहुंचाता है। अब गिजाई जूस है विटामिन तनु से भरपूर किमियाई जूस का ऐसा ग्रोथ जिसके हर जूस की जरूरत जिस्म के मुख्तलिफ अफाल को अहसन तरीके से अंजाम देने के लिए पड़ती है। विटामिन हम क्यों खाते हैं ताकि हमारी बॉडी स्टेबल रहे हमारे अफाल अच्छे से अंजाम रहे हमारी बॉडी अच्छे से चले। तो हयातीन यानी विटामिन जो है वो मेन जो है 6 किस्म के होते हैं। इसके अलावा भी कुछ किस्में होती है विटामिन की लेकिन ए बी सी डी ई और के ये मेन विटामिन है। अब इसमें जो है 4 विटामिन यानी विटामिन के विटामिन ए विटामिन डी और विटामिन ई चर्बी में हल पजीर होते हैं और विटामिन बी और विटामिन सी पानी में हल पजीर होते हैं। इसके अलावा विटामिन पी एच और B9 B6 वगैरह भी पाए जाते हैं। ग्लूकोज का तज्जिया यानी जो शक्कर पाशीदगी और क्रेब चक्कर के तामुल में तैयार होते हैं तो उसकी तैयारी में भी राइबोफ्लेविन यानी विटामिन B2 और निकोटेनामाइड यानी विटामिन B5 का इस्तेमाल होता है। अब नेक्स्ट है गिजाई जूस पानी। हमारे जिस्म में तकरीबन 65-70% पानी होता है वो एज के हिसाब से उसका तनासुब बदलता रहता है। हर खुलिए में उसके वजन का 70% पानी होता है यानी आप अगर अपना वजन करेंगे आपका जो टोटल वजन होगा उसका 70% पानी ही होता है। हर खुलिए के वजन के मुताबिक उसमें 70% जो है पानी पाया जाता है। खून में भी जो धमनी सैल होते हैं उसमें 90% पानी पाया जाता है यानी अगर जिसमें मामूली तौर पर भी पानी की कमी होगी तो खुलिए के अफाल में जिसम के अफाल में बिगाड़ पैदा होगा। इसीलिए जो डॉक्टर्स कहते हैं ना कि पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिए ताकि आपका जो है जिस्म अच्छे से काम कर सके। अब इन सब के अलावा जो है रेशेदार गिजाई अशिया भी बेहद अहमियत के हामिल है हमारे जिस्म के लिए। ये क्या करते हैं रेशेदार गिजाई अशिया ये हमारे जिस्म जाकर हजम नहीं होते बल्कि दूसरी चीजों को हजम करने में मदद करते हैं यानी अमल इस्तेखराज में मदद करते हैं। सब्जी तरकारी फल अनाज से रेशेदार अशिया हासिल होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है मीटोसिस और मियोसिस ये हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझा होगा। कोई कंफ्यूजन होगी तो प्लीज नीचे कमेंट करिए मैं इंशाल्लाह जरूर आंसर दूंगी। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।